था तो मैं गिरी थी। टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस का ऑप्शन है जो क्या हुआ हमने जान के फर्स्ट लोकेशन कौन सी है गाना चले जा रहा है बोले लाइट पे नेड़े बैठ बोले बैठ बोले बैठ के नेड़े नहीं होता बोले हां जी तो कैसा रहा ट्रिप बहुत अच्छा बहुत अच्छा एंड वी आर रेडी नाउ फॉर आवर लास्ट डे यस लेट्स गो बाद में मलक कैसी रही तो देख लो बहुत अच्छी हम सामान ना यहीं पे अभी क्लॉक रूम में रख देंगे और फिर हम बाहर निकल जाएंगे घूमने के लिए फिर बस जब जाना होगा उससे पहले हम आ जाएंगे और सामान लेके फिर स्टेशन आज का मौसम देखो आज वेदर फोरकास्ट में भी लिखा है कि बारिश होगी थैंकफुली हमारी जो आज की लोकेशन है वो सारी की सारी इंडोर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें बट एंड वी आर हैप्पी ऑल्सो कि हमें यहाँ की बारिश भी देखने को मिल जाएगी वो फर्स्ट लोकेशन कौन सी है रॉयल पैलेस ये भी वन ऑफ द चर्च है बट इसमें हम अंदर नहीं जा रहे हैं ये लिखा है प्रेजेड रेनोवासियम प्री रेनोवेशन ये पोस्ट मुझे नहीं पता मैं करेक्ट बोल रही हूँ कि नहीं बट ऐसा फील हो रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ कहाँ जाना है जामकोवा जामकोवा ये देखो इन्होंने कितना इंटरेस्टिंग बना रखा है लगेज की स्पेस दे रखी है ट्रैम में मैंने अब तक ये तो यहाँ की किसी ट्रैम में नहीं देखा ये फर्स्ट ट्रैम है से सबोता 11 से 5 विजेला 10 से 6 सही टाइम पे आया हां फोटो का क्या मतलब है इस फोटो ये यहां पे सर्व कर रहे हैं सर को सर्व कर रहे हैं किसी के सर को यस सीरियसली दिखा दी मतलब ये रूलिंग के टाइम पर ऐसा होता था क्या इनके साथ जो पुराने बंदे थे उनको काट दिया अरे बाप रे अरे बट खाते थोड़ी ना थे ऐसे जैसे सर्विंग प्लेट की तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहा है पता नहीं क्या ये गैलरी एरिया बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि इनकी इमेज इतनी ब्लर क्यों है ये रिस्टोर करी हुई है या यही एक्चुअल में डिजाइन है वही डिजाइन था क्योंकि ये वाली तो सारी करेक्ट है है ना मतलब फिनिशिंग देखो ना फिनिशिंग करेक्ट है इनमें उसमें फिनिशिंग नहीं थी तो मतलब वो पर्पसली नहीं थी यहाँ पे तो हमारे मजनू भाई की फोटो भी लग सकती है पेंटिंग मजनू भाई कौन मजनू भाई कौन मजनू भाई ये क्या है आर्ट वर्क हमारी ऑडियंस जानते हैं मजनू भाई कौन है अच्छा ये क्या है सम आर्ट वर्क यहाँ पे मजनू भाई की पेंटिंग लगनी चाहिए मैं मोदी से करूँगा अपील ये तो चलो ये मुझे समझ में आ रहा है ये बहुत अच्छी लग रही है ये आर्ट है ठीक है दिस इज आर्ट बट व्हाट इज दिस ये क्या है इसका नहीं बता सकते ये रिया बंद कर रखा है लाइटिंग वाला ये देखो सब ब्राइट है एकदम जबकि रूम में बिल्कुल अंधेरा है कितना रियल लग रहा है ये बहुत प्यारी बनाई है तो ये वाली भी डिटेलिंग सो बेसिकली रॉकलो को पहले ब्रेस्ला बोलते थे रॉकलो नेम बाद में आया इसका रॉत्सोफ सॉरी चल रहा है सच्ची में शॉकिंग
ये सब यूज हुआ था, गन्स वन्स पिस्टल्स, ये आउटफिट उन लोगों के जिनसे काम करवाते थे। म्यूज़ियम कवर हो गया अब हमारा, मतलब जिसको हिस्ट्री पसंद हो वो आए तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ठीक है। कितना, दो जनों की 50 ज्लॉटी की टिकट है तो अगर, बट ठीक है, एक टूरिस्ट स्पॉट है तो हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है नेशनल म्यूज़ियम, वो भी ऐसा सही है। हमने जान के हिस्ट्री वाली सारी चीज़ें ना लास्ट डे के लिए रखी थी कि अगर बाई चांस रह भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। सामने से ट्रैम मिलेगी हमें जाम गोवा से। अच्छा, नेशनल म्यूज़ियम की ट्रैम नंबर 33। ठीक है, ठीक है। लेडी तो बैठी है, बैठ जाओ लेडा। यहाँ पर एक टेम्प्रेरी एग्जीबिशंस का ऑप्शन है जो सीजनल है, और परमानेंट एग्जीबिशंस भी हैं, तो हमने तो दोनों ही लिए। रेस्टोरेंट भी अंदर, कुल परफेक्ट पोज है। फोटो खींचो गाइस, हम म्यूजियम में हैं, हम कुछ नहीं देख रहे, हम बस घूम रहे हैं। जहाँ भी शीशा आते हैं अपने आप को देखने लग जाती है। कुछ है ही नहीं देखने को, जीसस की स्टोरी दिखा रखी है पूरी पूरी, वो तो पता है ना हमें क्या हुआ था, क्या हुआ था जीसस के साथ, पता नहीं। अरे मूवी देखी तो थी, वो जीसस को ऐसे टांग दिया था लगा के। क्या हुआ था, क्यों टांगा था? अरे तो क्योंकि कुछ था ना। नेशनल म्यूजियम भी अब कवर हो गया। इसमें ना जेन्युइनली ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं था। जीसस वाली भी पूरी ऐसे स्टोरी नहीं एक्सप्लेन करी उन्होंने, बस जिसने जो जो वो स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं ना, बस वो लगा रखे हैं हर फ्लोर पे, और कुछ नहीं है ऐसा। बट ये चलो एक जगह है यहाँ पे देखने वाली, तो फिर वो देख लिया हमने। अब चलते हैं मैथमेटिकल टावर। बिल्डिंग अच्छी बनाई है बट अंदर जो भी है कुछ समझ नहीं आता। इसके कंपैरिजन में जो रॉयल पैलेस था ना, वो काफ़ी अच्छा था। उसमें था, हाँ, उसमें कुछ थी चीज़ें देखने वाली, हम रुक रुक के देख रहे थे, थोड़ी नॉलेज वाली चीज़ें थी। यहाँ तो वो मैडम चीज़ें देख रही थी, वही थे आर्किटेक्चर उनका अच्छा था, तो बस यही था। हमें तो कुछ जगहों पर तो ऐसे चल रहा था। हमने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है यहाँ की ट्रैम्स में, बूडापेस्ट की और प्राग वाली में भी, कि इस ये वाली ना थोड़ी ज़्यादा ऐसे स्पीड से चलती है, मतलब आपको जर्क फील होगा। अगर आपने कुछ नहीं पकड़ा हुआ तो आप सीधा गिरोगे। मतलब प्राग वाले में फर्स्ट टाइम तो मैं गिरी थी, बट वो उतनी तेज़ जर्क नहीं होता, वो हल्का सा होता है, आप हल्के डिसबैलेंस होते हो फिर आप गिर जाते हो। ये तो प्रॉपर ऐसा लगता है धक्का दे रहा है कोई आपको। दूर से तो दिख गई है हमें वो यूनिवर्सिटी, उसी में मैथमेटिकल टावर जो देखना है हमको। यूनिवर्सिटेट, डॉर्फ होगा ना वहाँ पे कोई, यूनिवर्सिटी है ना तो पढ़ाई वाला बनाया यहाँ पे। हमने मैथमेटिकल टावर की टिकट ली थी वैसे डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आप अकेले नहीं ले सकते, उसके साथ एक और चीज़ लेनी पड़ेगी, वो मिनिमम है मतलब। तो हमने लिए ओला क्या था, ओला ओला लियोपोल
दिना के लिए जहाँ हम अभी गए हैं, हमारे पीछे जो शॉप हो रहा है ये एक बैरक है, मतलब आर्ट वर्क और म्यूज़िक का डिस्प्ले किया हुआ है, आर्टिस्टिक स्किल्स शोकेस करी हुई है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है वैसे, उसका रूफ बहुत सुंदर है और थोड़ा म्यूजिकल कुछ इवेंट वगैरह शायद होता हो यहाँ पे। बट अब हम जा रहे हैं लिफ्ट लेके डायरेक्टली 5th फ्लोर पे, टॉप पे। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे मैथमेटिकल टावर के लिए, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो दोबारा से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। आज के दिन में कितनी चढ़ ली हमने? हमने कल कितनी चढ़ी थी? फाइनली व्यू तो बहुत प्यारा है, बट यार लिफ्ट ना रखने का कोई रीज़न नहीं है। टावर कंप्लीट करके हमारी सारी आइटनरी की लिस्ट पूरी हो चुकी है और अब हम आए डोमिनोज में मार्केट स्क्वायर में खाना खाने के लिए, और वहाँ का व्यू इतना प्यारा है। सवारी चली घर को।